हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, सब ज़बरदस्त होंगे। तो बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से उन सारे स्टूडेंट्स को लिए जिन्होंने जूनियर इंजीनियर का एग्ज़ाम दिया था। बेसिकली हरियाणा गवर्नमेंट ने ये प्रूफ कर दिया है कि जो वो लोग बोलते हैं वो लोग करते हैं और करके दिखा दिए। 11 महीने के अप्रॉक्स समय हुआ है नोटिफिकेशन निकालने से फाइनल रिजल्ट देने तक का, और उन्होंने फाइनल रिजल्ट दे दिया है। अब हम लोग देखेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ, कहीं मत जाइए, मत भटकाइए अपना ध्यान। आप हैं मेरे साथ सिविल स्थान। तो चलिए मैं बता देना चाहता हूँ कि ये सिविल इंजीनियरिंग की वैकेंसी निकली हुई थी जूनियर इंजीनियर की, और ये आपका वेरियस बोर्ड कॉरपोरेशन और डिपार्टमेंट्स में निकला हुआ था, आपका पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में, ग्रामीण विभाग में, और अलग अलग डिपार्टमेंट में, इरिगेशन डिपार्टमेंट में अलग अलग कैटेगरी थी। वो कैटेगरी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, 1, 4, 5, 10, 11। और उसके बाद मैं बता देना चाहता हूँ 1259 पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट आई हुई थी। इसमें आपका 438 जनरल कैटेगरी थे, उसमें से 7 आपका OH कैटेगरी ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड, और उसके बाद आपका 10 था HH हियरिंग हैंडीकैप, और 5 था विजुअली हैंडीकैप्ड, और उसके बाद जनरल में 2 ऑटिज़म से थे। टोटल 414 पोस्ट आपका इधर से हो गया। तो अब मैं बता देना चाहता हूँ कि इसकी जो कट ऑफ गई थी जनरल कैटेगरी की, वो आपका 63 गया हुआ था। यहाँ पे आप देख लीजिए, ये जनरल की कट ऑफ है, और आउटसाइड स्टेट वाले जितने भी कैंडिडेट थे ये उनकी कट ऑफ है। अब मैं बता देता हूँ कि SC में 190 पोस्ट की रिजल्ट आई हुई है, जिसमें से आपका 4 है OH के लिए, और 2 है HH के लिए, और 1 है VH के लिए, और जनरल की जो टोटल सीट है वो 191, मतलब कि आपका ये हैंडीकैप पर्सन को छोड़ के है SC कैटेगरी में। और SC कैटेगरी की अब कट ऑफ की बात की जाए तो 56 है SC कैटेगरी की। अब यहाँ पे BCA कैटेगरी की 157 पोस्ट आई हुई है, इसमें 1 OH और BCA 3 OH का था, और BCA की टोटल हैंडीकैप को छोड़ के 153 पोस्ट थी। अब इसकी कट ऑफ की बात की जाए तो इसकी कट ऑफ यहाँ पे 58 गई हुई है। अब मैं बता देना चाहता हूँ कि BCB की टोटल 87 पोस्ट की रिजल्ट आई हुई है, जिसमें 2 HH BCA का, 2 VH और BCA का हैंडीकैप को छोड़ के 83 पोस्ट होता है, और इसकी कट ऑफ गई हुई है आपका 59। अब EWS कैटेगरी में 104 सीट के लिए आई हुई थी, और EWS कैटेगरी की कट ऑफ जो गई हुई थी वो 60 मार्क्स गई हुई थी EWS कैटेगरी की कट ऑफ। अब एक्स सर्विसमैन जनरल की 122 पोस्ट पे आई हुई थी, और एक्स सर्विसमैन जनरल की जो कट ऑफ गई हुई थी वो आपका 29 था। ये एक्स सर्विसमैन जनरल सेल्फ के लिए, और डिपेंडेंट के लिए था 37। अब मैं बता देता हूँ कि एक्स सर्विसमैन SC की 36 सीट की रिजल्ट आई हुई है। अब इसमें आपका 31 मार्क्स कट ऑफ गया है, और एक्स सर्विसमैन BCA की 36 सीट की रिजल्ट आई हुई है, इसकी 22 कट ऑफ। आप देख रहे होंगे कि एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ बहुत कम गई है, क्योंकि एक्स सर्विसमैन वाले कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनका थोड़ा पढ़ने लिखने का नाता बहुत दिन से टूटा हुआ रहता है, इसलिए जितने कैंडिडेट बैठते हैं सब वैसे ही रहते हैं, थोड़ा भूल जाते हैं, इसलिए उन लोगों का कट ऑफ कम गया है। और इनकी जो कट ऑफ थी 23 गई हुई थी, ये आपका एक्स सर्विसमैन BCB 51 पोस्ट के लिए, और OH के लिए 12 पोस्ट आई हुई थी, जिसकी 55 कट ऑफ गई हुई थी। आपका HH हियरिंग हैंडीकैप की 17 सीट आई हुई थी, जिसकी 37 कट ऑफ गई हुई है, और VH की 14 पोस्ट आई हुई है, जिसकी 38 कट ऑफ गई हुई है, और ऑटिज़म की 16 पोस्ट की आई हुई है रिजल्ट, जिस 16 पोस्ट की आई हुई थी, जिसमें कि 47 कट ऑफ गई हुई है। यहाँ पे इन्होंने लिख दिया है कि 6 VH कैटेगरी और 14 ऑटिज़म कैटेगरी की सीट रिमेंड हो गई है ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सुटेबल कैंडिडेट, क्योंकि उनको कैंडिडेट नहीं मिल पाया, इसलिए ये सारी सीट वैकेंट रह गई है, 6 VH की और 14 ऑटिज़म की। अब क्राइटेरिया मैं बता देना चाहता हूँ कि जो था रिटेन एग्जामिनेशन का 90 मार्क्स का था, उसके बाद सोशियो इकोनॉमिक एंड एक्सपीरियंस में 10 मार्क्स का था, और यहाँ पे टोटल 100 मार्क्स का था। अब इसमें इस एग्ज़ाम के बारे में थोड़ा बता देता हूँ कि इस एग्ज़ाम में जनरल स्टडी से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए थे हरियाणा गवर्नमेंट और हरियाणा स्टेट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यदि आप गेट को छोड़ के
किसी और एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो आपको नॉन टेक पोर्शन पे ध्यान देना ही पड़ेगा, क्योंकि नॉन टेक हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। कोई भी स्टेट का जेई हो गया, आपका एसएससी जेई हो गया, फिर आपका अलग अलग स्टेट का एई हो गया, उन सारी एग्जामिनेशंस में नॉन टेक से क्वेश्चन पूछा जाता है। आप देख लीजिए उठा के, जो कैंडिडेट नॉन टेक जिनका अच्छा हो गया है उनका रिजल्ट हो रहा है बहुत काफ़ी समय से, सिर्फ गेट का तैयारी यदि आप करते हैं तो वो एक्सेप्शन है। उसको छोड़ के यदि आप किसी भी इंजीनियरिंग का एग्जामिनेशन अभी तैयारी कर रहे हैं तो आप नॉन टेक सुधार लीजिए, नॉन टेक कंपलसरी है, आपको बूस्ट दे देगा रिजल्ट में। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के बीच इस वीडियो को फैला दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।